आपको बताते चले कि गृह सचिव अजय भल्ला इस वक्त पहुंच चुके हैं पार्लियामेंट। जिस तरह का मामला सामने आया है उसने सभी को हैरान और परेशान कर दिया है। सुरक्षा में चूक का बहुत बड़ा मामला संसद भवन में, संसद के भीतर लोकसभा में भी और संसद के बाहर भी। फिलहाल स्पीकर ने पास बनाने पर रोक लगा दी है और इन सब के बीच आपको बताते चले सुरक्षा चूक के बाद विस्टर गैलरी पास पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि विस्टर पास पर ये भीतर दाखिल होते हैं और उसके बाद सुरक्षा में चूक का इतना बड़ा मामला जम करके आगे पहुंचते हैं, वहां पर नारेबाजी करते हैं, स्मोक गैस से धुआं धुआं पूरा का पूरा लोकसभा हो जाता है। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं, अनीश दयाल सिंह डीजी सीआरपीएफ वो भी संसद भवन पहुंच चुके हैं, स्पीकर ओम बिरला ने विस्टर गैलरी के पास बनाने पर रोक लगा दी है और इन सबके बीच गृह सचिव अजय भल्ला भी संसद भवन पहुंच चुके हैं। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दर्शक दीर्घा से कूदा एक शख्स और उसके बाद अफरा तफरी का आलम, खुद की जान बचाने के लिए वहां पर सांसद जो मौजूद थे वो भागने लगे, कुछ लोगों ने इसको पकड़ा। वहीं संसद भवन के बाहर भी आप देख रहे हैं क्रिएटिव कलर स्मोक लेकर वहां पर एक लड़का और एक लड़की पहुंचते हैं और संसद भवन के बाहर भी किस तरह से धुआं धुआं कर देते हैं। इनकी मंशा क्या थी, किसके कहने पर ये लोग पहुंचे हुए थे, इनके टारगेट पर कौन था। आज के दिन संसद भवन पर आतंकवादी हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001 को और आज एक बार फिर से संसद भवन में चूक का इतना बड़ा मामला जिसने हर किसी को परेशान कर दिया है। संसद के भीतर क्या तस्वीर बनी हुई है अफरा तफरी की वो दिखा दीजिए। लिए भी है गिर गया, सौभाग्य कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। भागो भागो पकड़ो पकड़ो इस तरह की बातें वहां पर होने लगी जब ये शख्स ऊपर से जंप करता है विस्टर गैलरी से आगे की तरफ और उसके बाद तमाम सांसद आप देख रहे हैं कुछ बाहर की तरफ भागते हैं, कुछ उसको पकड़ने के लिए अंदर की तरफ आते हैं। फिलहाल इसकी पहचान हो गई है, सागर इसका नाम बताया जा रहा है, प्रताप सिम्हा है, बीजेपी के सांसद मैसूरू के, उन्हीं के विस्टर पास पर ये भीतर की तरफ दाखिल हुआ था। अब इस बारे में ज्यादा जानकारी ली जाएगी, एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। कार्रवाई मल्लिका जी सब थे, हम आज ही इत्तेफाक से यहां भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है, लेकिन बात तो यह है कि ये हमले वर्ष में इससे की घटना कैसे घटी, इसमें क्या साबित होते हैं कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ बड़े हिम्मत के लिए कहने में अच्छा लगता है कि ये दो शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया, सारे हमारे एमपी ने निडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर हमारे जो पार्लियामेंट की सर सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखा दे रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के बाद भी इस तरह की घटना हो जाए तो ये दुखद है, क्योंकि ये तो और कुछ भी बहुत हो सकता था। पहले ऐसा होता था कि ऊपर गैलरी में भी हर रो में सिविल ड्रेस में सिक्योरिटी के लोग रहते थे, अगर कोई हिलने की कोशिश करता था वहीं पकड़ लेता था। अब कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रहा है। देखिए 0 आवर चल रहा था, हम लोग अपनी बात रख रहे थे, अचानक गैलरी के अंदर से 2 आदमी कूद आए, कूदने के बाद उन्होंने अपने जूते में से कोई चीज निकाली जिससे पूरी पार्लियामेंट के अंदर गैस फैलना शुरू हो गई। हमें शुबा यह है कि क्या ये कोई टॉक्सिक गैस तो नहीं है, कोई नुकसान तो आगे सांसदों को नहीं होगा, खुदा करे ना हो, लेकिन जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आज, जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। क्या वो विजिटर्स गैलरी में बैठे? विजिटर गैलरी में से कूदे थे। तो अगर इस तरह से लैप्स होंगे तो पार्लियामेंट क्या हमारी सेफ है? नहीं, दर्शक दीर्घा से 2 लोग कूदे नीचे, फिर वो भागने लगे, माननीय सांसद जो थे तुरंत उन्होंने भी घेरा, उसको पकड़ा, तब तक उन्होंने जूता के अंदर से कुछ निकाल करके वो गैस जो होता है कलरफुल धुआं छोड़ने लगा। कोई डेंजरस कुछ नहीं था, लेकिन चिंता के विषय ऐसा सामग्री लेके अंदर आ गए
ये चिंता की विषय है, ऐसा ना हो इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा, सबको टेस्ट करना पड़ेगा। तो कोई जस्ट न्यूज बनने के लिए, कोई दृष्टि आकर्षण करने के लिए उसे किए थे, देखने से लगा। बाकी दोनों को पकड़ के मार्शल ले गए बाहर। आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, पूछताछ लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको दे दें, एफएसएल की टीम भी इस वक्त पहुंच चुकी है संसद भवन, लगातार पूरे मामले की जांच की जा रही है। यहां पर तीन अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम जब पहुंची, एफएसएल की टीम संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंची, सैंपल कलेक्ट करके वो लेकर गई है। और आपको ये भी बताते चले कि बड़ी खबर ये है, संसद भवन के बाहर और अंदर सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला, और इसको लेकर संसद भवन के बाहर और अंदर हंगामे को लेकर इनपुट था। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, खुफिया एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के पास इनपुट था इस बारे में। कड़ी सुरक्षा बढ़ाए जाने के बाद भी हंगामा हुआ, बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा पार्लियामेंट पहुंचे हुए, पूछताछ लगातार जारी है। इनका मकसद क्या था, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मलूक नागर बीएसपी के सांसद हैं, वो भी सदन के भीतर मौजूद थे जब ये शख्स जम करता हुआ आगे की ओर बढ़ता हुआ चला गया। मलूक नागर से बातचीत की है हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने, सुनिए चश्मदीद के तौर पर उन्होंने क्या देखा और क्या महसूस किया। संसद भवन में आज दो लोग दर्शक दीर्घा से हाउस के अंदर जम करके बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, सांसद मलूक नागर जी। ये सब क्या हुआ था, आप जरा बताइए घटना, और आपने उनको पकड़ा भी? हाँ, देखिए जहाँ पे मेरी सीट है उसके बराबर में जो ऊपर दर्शक दीर्घा है, वहाँ से शुरू में एक आदमी कूदा, हमने जैसी आवाज आई धुम देसी तो हमें लगा कि कोई गिरा है और चोट लगी है, तो सबका ध्यान उधर गया। इतने ही में एक और कूदा, और कूदने के बाद जो हम जहाँ से एमपी निकलते हैं, निकलने का जो रास्ता चलने का या भागने का, उसमें नहीं आया, वो सीटों के ऊपर कर ऐसे कूदता हुआ आया। जब तीसरी बार कूद रहा था, लगा इसकी तो नीयत खराब है, तो हम 7-8 एमपी उसकी तरफ भागे, और भाग करके जैसे ही उसे पकड़ने को दे उसे जूता निकाला, तो हमें लगा ये जूता फेंक करके मारेगा शायद, तो उससे थोड़ा सा बच के फिर से पकड़ने की कोशिश करी, तो जूते में से कोई चीज़ खींची उसने, और उसमें से धुआं गैस पूरा निकलने का लगा, तो लगा अब तो गैस तो निकल गई, अब तो जो भी होगा। बस गुस्से में एमपीओ ने हमने पीटा, ये नींद भी पड़ा हाथ में, पिटाई तो उसकी खूब करी है, फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए और उसे उठा करके देखे। कितनी उम्र के थे? हम मेरे हिसाब से 27-28 के आसपास पहले पहले थे, और 25-30 के बीच की थी। हाँ, वो साउथ थे, जो भी सुनने में आ रहा है कि एमपी ने उनका पास बनवाया, वो यूपी के हैं, वो अलग बात है कि ऐसे जब घटना घटी है जहाँ देश की संसद में 13 तारीख को पहले ऐसी घटना घटी हो और आज उसके पुण्यतिथि मना रहे हों या शहीदों को हम अर्पण कर रहे हों, ऐसे दिन अगर जानबूझ के किया गया है, तो मेरे हिसाब से पूरी प्लान करके और बहुत ही गंभीर ये घटना है। किस एमपी ने बनाया पास, वो पूरा अभी नाम पूरा पता नहीं है, सिक्योरिटी वालों ने उसका पास भी और उसके असिस्टेंट के रिकमेंडेशन है वो कब्जे में ले लिया, उसके रिपोर्ट में जांच में अभी अंदर ही पार्लियामेंट में पकड़ रखे थे, पिटाई तो बहुत ही करी है, बड़े ही हो गए दोनों के दोनों। हम लोगों ने पहले पीटा और उसको जैसे अपनी तो जिसमें जान की बची थी कि हमें ना मार दें, तो उसके बाद में हाउस तो छोड़ो कोई हेडगन नहीं कुछ नहीं हुआ, धुआं धुआं हो गया पूरा। हाँ, वो सिक्योरिटी वाले उठा के लेंगे, सिक्योरिटी वालों ने बहुत पीटा है दोनों को, बिल्कुल अनुमान कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।